हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो सब? आज है नौमी और नौमी का सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अष्टमी को कल कन्या बिठा दी थी, जो मैं अपनी लाडो रानी को बिठाती हूँ। लेकिन मैं जब से शुरू की हूँ कन्या पूजन, तब से मैं मतलब नौमी को ही मेरा पूरी छोला और जो भी होता है हलवा ये बनता है, क्योंकि बोलते हैं नवरात्रि में माँ को ये बहुत पसंद है तो ये मैं बनाती हूँ। यहाँ पे खैर कन्या नहीं मिलती है इस गली में, लेकिन मैं सोच रखी हूँ माता रानी को तो भोग लगाऊंगी ना। मैंने इधर टोटल काम कर लिया, जितना भी झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन सब क्लीन करके, और मैं दिखाती हूँ थोड़ा बैक कैमरे से, क्योंकि मुझे माता रानी को भोग लगाना है। और मैं अपना बिठा करके रख दूंगी सबके नाम से, और मैं जाके दे आऊँगी मंदिर के आगे या जहाँ भी मिलेगी वहाँ मैं दे आऊँगी। लेकिन मुझे जो पूजा करना होता है तो होता है, मेरा मन नहीं मानता। फिर कल मैं अष्टमी को कर दी थी, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, कोई बात नहीं। मेरी एक ही मेरी सबसे पहले माता रानी को भोग लग जाएगा, तो आप लोग बैक कैमरे से देखिए। ये देखिए इस रूम का मैं सब कुछ कर दी, जितना रोज का होता है हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और ये हमारा लाडो रानी कल भूल के चली गई थी बैलून यहीं पे। और ये देखिए माता रानी की भी पूजा हो चुकी, और कल इतना जल्दी जल्दी किया कि फूल लाना भूल गई, तो पूजा कर दी हूँ। और मैं आज प्लेट में भोग में कुछ नहीं डाली हूँ, इसलिए नहीं डाली क्योंकि मुझे पूरी छोला ही डालना है। ये पूजा हो चुका है, सब रूम की झाड़ू पोछा, अभी कपड़ा बाहर से ले आई धुला हुआ। और मैं आपको दिखाऊँ, ये रूम को भी बहुत भर चुका था, इसको भी मैं क्लीन व्लीन कर दी हूँ, सारे बाहर का झाड़ू पोछा सब हो गया मेरा। और आपको मैं दिखाऊँ, मैं सिंक में बर्तन भी नहीं रखती हूँ, सारा क्लीन व्लीन करके अभी मैंने साफ़ कर दी। और तो ये देखिए मेरा छोला बन चुका है, और इसको मैं थोड़ा सा रस जलाऊंगी, क्योंकि मैं दूसरी तरह से बनाती हूँ फ्राई करके और टमाटर वगैरह डाल करके। इससे क्या ना टेस्ट में बहुत ही फ़र्क हो जाता है। कभी आप भी बनाना ऐसे, जैसे ही जीरा और हींग वगैरह डाल के सूखी वाली मिर्ची डाल के, वो इससे मैं भी डालती हूँ, अच्छे से तेल वेल डाल के फ्राई अच्छे से कर देती हूँ। फिर मैं इसमें 3 या 4 टमाटर डाल देती हूँ, और नमक हल्दी मिर्ची गरम मसाला सब मैं डालती हूँ कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये हो गया, और मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा चीनी उबल रहा है चाशनी के लिए, और मैंने ये हलवा के लिए इसमें सूजी डाल रखी हूँ, इधर चाशनी बन रही है, जैसे हलवा भुन जाएगा वैसे। और ये मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट, ये बादाम, और मैं नारियल का बुरादा और इलायची डालूंगी ना इसमें। ये देखिए मैं आटा में सब कुछ डाल करके, अजवाइन नमक सब डाल करके अच्छे से गूंद के इसको भी रिफाइंड लगा के रख दी हूँ। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश में, माता रानी को मुझे ये भोग लगाना है, तो अच्छे से कर लेती हूँ सब कुछ। और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है मेरा, आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी पूरा। मेरा ये भूनने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब तक मेरी चाशनी भी देखिए पूरा चीनी पिघल चुका है। चाशनी बना के जो आप सूजी इसमें डालते हो ना, तो वो चिपकता नहीं, अलग अलग हो जाता है। तो मैं नारियल वगैरह सब कुछ इसमें डाल करके रख लेती हूँ, और इलायची वगैरह कूट काट करके। और इसको भी तब तक मेरा ये, जब तक ये हो गया है, मैं इसको रख देती हूँ नीचे, और इसका थोड़ा सा रस मुझे जलाना है, क्योंकि मैं मसाले वगैरह ना आज मैं दूसरा वाला डाली हूँ जो पैकेट में पड़ा हुआ था, इसलिए चम्मच भी मैं यहाँ रखी हूँ। इसकी रस है ना थोड़ी सी जल जाएगी, तो और अच्छी ग्रेवी इसकी ना बन, ग्रेवी बनने के बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये हमारा पूरी बन के रेडी है, एक इसे भर दी, तो पूरी गरम गरम पे डालते जाओ तो ये बैठता जाता है। ये मेरा हलवा, इसमें कलर थोड़ा अजीब सा ही दिख रहा है। और ये हमारा जो छोले पड़ते हैं प्रसादी माता रानी को, ये तीनों चीज़ बन गई। अब जा रही हूँ मैं माता रानी को प्रसाद दे देती हूँ, और कन्या के लिए मैं रख देती हूँ डाल करके। मैंने कहा चलो आप लोगों को प्रॉपर दिखा देती हूँ, क्योंकि पहुँचाना होगा कन्याओं को, तो अभी डाल के बस रख देती हूँ, मैं शाम को जाके पहुँचा के आ जाऊँगी। माता रानी को ये प्रसाद रख दी हूँ मैंने आगे, और आज जो फूल लिए थे कितने उदास उदास से लग रहे हैं। और ये मेरे जो दरवाज़ा खुला है, बिल्कुल डायरेक्ट रोशनी आ रही है माता रानी के ऊपर, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये प्रसाद रख दिया इनके आगे, और चूहा का देर नहीं है, बस आ करके। और ये देखो तोड़ करके भी मैंने थोड़ा खिलाई इनको, खाते तो कहाँ ये भगवान। और इन लोगों को भी देखिए छोटे छोटे कटोरी में सबको आज पूरी और हलवा दी हूँ, इन लोगों को छोला नहीं दी हूँ और इनको दी हूँ। और मैंने इस डब्बे में पूरी डाल करके रख दी हूँ, नीचे हलवा भर के रख दी हूँ, और छोला कि जाके प्रसाद अब इकट्ठा दे देती ना, गीला गीला हो जाता तो वही करके, मतलब अलग अलग रहेगा ना तो गीला नहीं होगा और देने में भी अच्छा लगेगा, तो साथ ही साथ पैसे भी ऊपर से डाल देंगे। आज का दिन है लास्ट दिन, बस आज लिपट जाए तो बस हो गया। नवरात्रि आएगी अब अगले साल, अब होगी दीपावली की सफाई शुरू है ना सबकी। आज मैंने साड़ी पहनी नहीं, पर्पल कलर की पहनी थी, मैंने कहा ये सब बनाना मेरे से हो नहीं पाता,
अब मैं शाम को जाऊंगी, अगर मंदिर जाऊंगी जाऊंगी प्रसाद देने, तब मैं पर्पल पहनूंगी। तो शाम को मिलती हूँ जी मैं आप लोगों से, या तो प्रसाद देते समय होगा तो देखूंगी। आज है दशहरा और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरा की। तो आज माता की, जैसे मूर्ति में 9 दिन व्रत करते हैं, पूजा पाठ होता है, आज माता रानी को विदाई दिया जाता है। तो पूरा मतलब खूब सारे रंग गुलाल सब उड़ाते हुए बैंड बाजा जैसे विदाई होती है, जैसे गणेश जी का उत्सव होता है, जैसे उनकी विसर्जन होता है, आज उनका विसर्जन है माता रानी का। मैं कल नवमी का आपको पूरा पूरी उरी बनाते समय दिखाई थी, लेकिन लास्ट वाला मैं दिखा नहीं पाई, मैं गई तो बांट के आगे बहुत अंधेरा हो गया था, तो इसीलिए आज मैं दसवीं का आप लोगों को दिखाती हूँ। माता रानी को मैंने सब कुछ कर दिया है, चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए माता रानी को मैंने अपनी जगह पर बिठा दी हूँ, और जहाँ पे उनकी जगह होती है रोज की, नीचे से विदाई तो आज होते विसर्जन, लेकिन माता रानी तो घर में ही रहती है। हम लोगों का ये हुआ है कि विसर्जन होता है गणेश जी का, जो भी वो मिट्टी वाला जो भी होता है, तो मैंने सब कुछ उठा करके ये देखिए सब मैं नीचे से हटा दी हूँ, और यहाँ पे खाली हो गया। अब मैं ऊपर रख दी हूँ और आप लोगों को मैं दिखाऊँ। तो विदाई का जो टाइम होता है ये है चूड़ा दही चीनी, जो चूड़ा नहीं समझते उनको मैं बता दूँ, पोहा दही चीनी ये है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ जब भी घर से कोई भी कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं, या लड़की की विदाई होती है, जब भी आप अच्छे काम के लिए पेपर देने या कुछ भी, जब भी घर से बाहर निकलते हो आप, और जब बेटी की विदाई होती है, तब तो है ही नियम दही चीनी खिलाया जाता है। तो हम देखो ये माता रानी को पोहा दही चीनी दी हूँ भोग में, और आज क्योंकि इनका विसर्जन है तो अच्छे से इनको सब कुछ करके, और आपके सामने ही ये देखिए मैं टीका लगा देती हूँ माता रानी की, और ये भोग भी लगाऊंगी। मैं सब कुछ कर दी थी, और सब भगवान जी सबको मैंने कर दी हूँ पूजा पाठ अच्छे से, ये देखिए कर दी हूँ। और वो जो माला वगैरह होता है वो जब तक ये होता है हमारा पूजा पाठ तभी तक। तो ये आपको मैं बताऊँ, चूड़ा दही और चीनी ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ, जब भी कोई शुभ काम के लिए जाए और कुछ भी बेटी की विदाई हो तो भोग लगाए जाते हैं। आपको मैं दिखाऊँ तो माता रानी को मैं थोड़ा सा खिला देती हूँ, क्योंकि माता रानी आज मायके से ससुराल जा रही है मैं बताऊँ तो, और मायके से जब ससुराल जाते थोड़ा सा मन दुखी रहता है, तो आज मुझे लग रहा है थोड़ी मेरी माता रानी की मन जो है, आज आपको अगर मैं दिखाऊँ जैसे रोज़ हंसते खिलखिलाते थे, आज अगर आप गौर से देखोगे थोड़ी सी दुखी सी लग रही है मुझे माता रानी, या तो हमारा मन का ये वहम है। तो आज मैं इनके साथ साथ सबको ही चूड़ा दही खिलाई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कुछ होता है तो हमसे पहले क्या होता है कि बच्चे, ये लोटा है और लोटा से थोड़ा सा मैं चाहूँगी पानी, माता रानी को मैंने पानी दे दिया। और हमारे यहाँ जब भी सब कुछ ये हो गया, ये देखिए आप लोग, तो ये चूड़ा दही दिखाने के लिए मुझे दिखाना था कि जब भी विदाई होती है तो चूड़ा दही ही खिलाया जाता है, शुभ काम कोई भी होता है दही चीनी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अष्टमी को तो वो अष्टमी हो गया सब कुछ, आज मेरा पूजा पाठ। माता रानी फिर से अगले साल आएंगे, और फिर हम इसी उम्मीद और जश्न के साथ फिर से घर में बिठाएंगे। तो माता रानी की जय। सब एक बार अच्छे से प्रणाम कर लीजिए माता रानी को, ऐसा लग रहा है विदाई होती है ना तो ससुराल वाला जो फीलिंग होता है वो अलग ही होता है, ये तो भगवान ही है, खैर भगवान की तो कोई बात ही नहीं है। जय माता दी। माता रानी वाली वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी, और जो मैं बताई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है चूड़ा दही से भोग लगाया जाता है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर हो मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं वीडियो डालूँ और आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। जितना पता होता है इतना मैं बता देती हूँ, और नहीं पता होता तो मैं नहीं बताती हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में फिर से।